सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज झज्जर हल्के के गांव तालाब ग्वालिसन खेड़ी होजदापुर मरौत चुचकबास मातनहील मुंडसा आमदल शाहपुर अखरी मदनपुर मुंडाहेड़ा बिराड लडायन हमायूपुर जलामपुर थाना धनीरवास सालावास ढाली सालावास धनिया आदि गांव में चुनाव प्रचार किया और 36 बिरादरी के साथ समर्थन आशीर्वाद मांगते हुए अपनी चुनाव की जिम्मेदारी भी गांव को सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति भारी नाराजगी है, इसको देखकर ही बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले सीएम डिप्टी सीएम और मंत्रियों के चेहरे बदल दिए, लेकिन बीजेपी ने भले ही सरकार के चेहरे बदल दिए, लोगों ने अब सरकार बदलने का मन बना लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता से अपील की कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों को गांव में घुसने से रोकने की बजाय वोट की ताकत का इस्तेमाल करने संसद में घुसने से रोके, प्रजातंत्र में यही सही तरीका है। इस दौरान विधायक गीता बुक्कल मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय दिल्ली से लगते झज्जर और रोहतक के इस इलाके को काफी मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश की और स्वास्थ्य शिक्षा बिजली उद्योग समेत गांव का भी चौतरफा विकास कराया, लेकिन जब 2014 में सरकार बदली तो सारा काम ठप हो गया। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में झज्जर बादली बहादुरगढ़ महम कोसली रोहतक कलानौर सांपला समेत 17 शहरों में बाईपास बनवाए और चुचकवास मातन सुबाना और बेरी का बाईपास एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर करा दिया गया था, लेकिन 10 साल में 4 मंजूर शुदा बाईपास भी नहीं बनवा पाई बीजेपी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बार वे इलाकों को दोबारा से विकास की पटरी पर लाकर नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर आगे लेकर जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 10 साल में इस सरकार ने पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, न कोई नया काम किया न लोगों की सुनवाई की। बीजेपी नेताओं का अहंकार सातवें आसमान पर है। हरियाणा को महंगाई बेरोजगारी नशा अपराध भ्रष्टाचार में नंबर वन बना दिया। आज हर घर में नौजवान बेरोजगार है। इस सरकार को आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। किसान मजदूर महिलाएं आंगनबाड़ी वर्कर खिलाड़ी कर्मचारी सरपंच सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार हर वर्ग पर सरकार ने लाठियां बरसाई। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और पूरे प्रदेश से एक ही आवाज गूंज रही है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। लोग इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए 25 मई को मतदान होने का इंतजार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपए महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर समयबद्ध पक्की भर्ती, किसानों की उपज को MSP पर खरीदेंगे, गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज की मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान देंगे, जनता को परेशान करने वाले पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, गरीब परिवारों को पीला कार्ड, खेल खिलाड़ियों के लिए पद पाव की नीति लागू करेंगे, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे और जैसे 2005 में सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध और अपराधियों का सफाया किया था, वैसे ही सारे गुंडे बदमाशों को हरियाणा से बाहर कर अपराध मुक्त व भय मुक्त हरियाणा बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।